क्या मजेदार खाना बनाया, पहली दफा आपके हाथ का खाना खाया, मजा आ गया माशाल्लाह। हमारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम्हें पता जब ये शुरू में आई थी ना, इसे अंडा भी उबालना नहीं आता था, फिर इतनी जल्दी कुकिंग सीख ली और तो घरदारी में भी बहुत माहिर है। भाई मोहसिन बहुत खुशनसीब है जो इतनी अच्छी बीवी मिली है। इतने बड़े घराने के होने के बावजूद बिल्कुल गुरूर और तकब्बुर नहीं है माशाल्लाह। ये होता है खानदानीपन। मिर्चें बहुत ज्यादा हैं, मैं तो इतनी मिर्चें नहीं खाती, हमारे यहाँ नमक मिर्च कम ही डलता है। अम्मी मैंने मिर्चें ज्यादा नहीं डाली। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मिर्चें ज्यादा हैं। अम्मी जान आप ये रहने दें, मैं आपके लिए बाजार से खाना ले आऊं। तो ठीक भाई, मैं बाजार का खाना कहाँ खाती। ठीक है तुम लोग खाओ, मैं मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। कढ़ाई थोड़ी और डालूं? सोहा बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती है। मैं खा रहा हूं, बहुत मजे। अम्मी जान के लिए खाने में नमक और मिर्चें कम डाला करूं? बस कर दे मोहसिन भाई, नमक मिर्चें सब बहुत मुनासिब है। अम्मी की शायद तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से वो ज्यादा महसूस कर रही है, वरना कोई ऐसी बात नहीं। भाई बहुत ही मजे का खाना है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा जायका है। तुम तो मजे से खा लो ये खाना, क्योंकि ससुराल में तुम्हारी आखिरी दावत है। क्यों? अरे आखिरी क्यों, आप लोगों का अपना घर है, जब दिल करे आप लोग आ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब पहले तुम लोगों को हमारी तरफ आना पड़ेगा इतवार को। खालिद अपने हाथों से बारबेक्यू बना के खिलाएगा सबको। हाँ भाई मोहसिन, कोई बहाना नहीं चलेगा, सबने आना है। भाभी आपने भी आना। अच्छा मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, मिलकर बैठेंगे, इतनी खुशी का मौका है, मजा आएगा। जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अम्मी जान आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। कितनी खुश थी ना बतूल, आप भी मिल लेती खालिद भाई से, इतने साल बीत गए। वैसे भी बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, आप हमेशा से यही तो कहती आई हैं। बच्चियां भी कितनी खुश थी, बहुत प्यार आ रहा था उन्हें देखकर। अल्लाह ने हमेशा ऐसे खुश रखे। तुम अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आज गई है बतूल, चार दिन में फिर आके खड़ी हो जाएगी। जानती नहीं हूँ कि मैं उस खालिद निखट्टू को दिया क्या है आज तक उसने मेरी बेटी को, खुद से किसी और की दी हुई नौकरी पर इतराता फिर रहा है, रोब डाल रहा है हम पे। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें किस तरह इस्तेमाल करेगा। अम्मी जान आप क्यों इतना बदगुमान हो रही हैं? अब की बार ऐसा नहीं होगा, खालिद ने मुझसे वादा किया है। यकीन करें उसे भी वही इज्जत और मकाम चाहिए, जभी तो वो बतूल को खुश रखेगा। वैसे भी अम्मी जान लोग अपनी बहनों के शौहरों के लिए बिच जाते हैं। हमने आज तक क्या किया खालिद के लिए? घर के अंदर तक आने की तो इजाजत नहीं थी उसे। और सोहा ने नौकरी लगवा कर कोई एहसान नहीं किया है, और अगर किया भी है तो ये बतूल का हक है, उसे जब हमारी मदद और प्यार की जरूरत होगी हम हाजिर होंगे। लिखते हैं। अल्लाह जहां रहा, ये किस किस्म की खिचड़ी बनाई है तुमने? डेढ़ घंटे में तुम खिचड़ी बनाकर लाई और उसमें इतना नमक जहर कर दिया है तुमने। क्या हो गया अम्मी, इतनी मेहनत से तो बनाई है आपके लिए खिचड़ी, आपको भी ना आदत होगी हर चीज में नुक्स निकालने की। अब ले जाओ भाई, मैं नहीं खा रही, मुझे वही खाना ला दो। क्या जरा सी मिर्चें ही तेज थी, था तो मजे का, वही खाऊंगी। अगर आपने वही खाना खाना था तो क्या जरूरत थी मुझसे इतनी मेहनत करवाने की? बड़ी जबान लग गई है तुम्हें, अपने घर जाओगी तो क्या करोगी? मुझे तो कोई आसार नहीं लग रहे अगले घर जाने के, यहीं बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। सोहा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने का कहा, छोड़ दो ये, मैं ऑफिस में जाके कर लूंगा नाश्ता। अरे पूरे घर के काम तो नाजू ने संभाले हुए हैं, और तुम्हारे काम मुझे अपने हाथ से करना अच्छे लगता है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर ऐसे ही आराम करती रहूं। सब ठीक है मगर कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने आप ही के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ बात बन भी जाएगी। कौन लोग हैं वो? तुम्हें बाबा के वो जानने वाले याद हैं जिनसे तुम मिले थे, बरकत भाई? रेस्टोरेंट वाले? हाँ वो ही।
बहुत ही शरीफ, बहुत वेल ऑफ इंसान है। उनकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है वो आप ही को बहुत खुश रखेंगे। एंड यू नो व्हाट, उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। सोहेल तो बहुत अच्छा रिश्ता है। आई रिमेम्बर, मैं तो उस बंदे से पहली मुलाकात में इंप्रेस हो गया था। जबरदस्त आदमी हो। तो मैं अम्मी जान को बता के आता हूँ, तो खुश हो। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं बताएं, पहले मुझे बात तो करने दें। तुमने अब तक बात नहीं की उनसे? नहीं, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं बात कर लेती हूँ। मुझे क्या एतराज होगा, मेरी बहन का घर बस जाएगा, इससे बड़ी और क्या बात होगी। थैंक यू सो मच। हर बात पे थैंक यू कहना जरूरी नहीं है। तुम्हारे एहसानात ही बढ़ते जा रहे हैं मुझ पे और मेरे घर वालों पे, ये सब जो तुम हमारे लिए कर रही हो। वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं है, मेरी भी फैमिली है, और फैमिली के लिए कुछ भी करना एहसान नहीं होता। तुम्हारा नाश्ता बन गया। थैंक यू, तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।